हाय फ्रेंड्स, मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं क्लच पर्स या बैग बनाऊं या फिर जो ज्वेलरी बॉक्स होता है उससे मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। मैंने एक ज्वेलरी पाउच से एक छोटा सा पाउच डेकोरेट किया था जो कि बहुत वायरल हुआ था। उसी को देखते हुए मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं और ज्वेलरी बॉक्स से कुछ बनाऊँ। तो मैंने एक खाली ज्वेलरी बॉक्स लिया है जिसका आपको यूज़ नहीं था। उसके ऊपर मैंने दोनों साइड मार्किंग कर ली है और उसमें मैंने पहले ही देख लिया था इसमें अंदर की साइड लकड़ी लगी हुई है। तो मुझे लगा कि अगर मैं पोकर को इसमें गर्म करके लगाऊंगी तो इसमें होल इजीली हो जाएगा। तो मैंने पोकर को अच्छे से गर्म करते हुए जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी इस बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने बारी बारी से लगाया, फिर दोबारा से गर्म किया, फिर बार बार ऐसे लगाने से इसमें होल अच्छे से हो गया है। आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें अंदर की तरफ भी होल नज़र आ रहा है। अब जो इसमें ये गत्ते लगे हुए हैं जिसपे नाम भी लिखा हुआ है, जो ज्वेलरी शॉप है उसका नाम भी लिखा हुआ है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उनको निकाल दिया है, बाद में इनका यूज़ करेंगे। फिर मैंने इनका मेज़रमेंट कर लिया है। तो इसका जो मेज़रमेंट लिया है मैंने, उससे अप्रॉक्स 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो एक्स्ट्रा कट करते हुए हम वेलवेट का कपड़ा लिया है, उसको हम कट कर लेंगे और ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे उनको, क्योंकि हमें इसके दोनों साइड लगाना है जिससे कि एक स्पेस भी बन जाए और जब ये क्लच पर्स खुले तो ये एकदम से ना खुल जाए, आपने कोई चीज़ रखी हो एकदम से ना गिर जाए। तो मैंने ट्रायंगल शेप में कपड़ा कट कर लिया है और 2 इंचेस जो मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं वो इसलिए रखे हैं कि जो इसके जो कॉर्नर वाले पार्ट हैं उसको हमें कट करना है, क्योंकि जो बिल्कुल कॉर्नर होगा उसे हमें नहीं पेस्ट करना है। तो मैंने दोनों साइड के इसके कॉर्नर कट कर दिए हैं। अब जो नीचे वाला कॉर्नर था ट्रायंगल का उसको भी मैंने कट कर दिया है। तो इस तरीके की शेप हमारे पास ये आ गई है। अब मैंने इलास्टिक बैंड लिया है और जो ये ट्रायंगल मैंने कट किया है इसमें ऊपर की साइड हमें इस इलास्टिक को लगाते हुए अच्छे से स्टिचिंग कर लेनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी वेलवेट के कपड़े पर स्टिचिंग नहीं होती है तो आप कोई पेपर का यूज़ कर सकते हैं, इसके बेस पे आप पेपर लगाएंगे तो इजीली स्टिचिंग हो जाएगी। लेकिन आप बड़ी स्टिचिंग करते हैं जो 5 नंबर वाली होती है तो वो किसी भी वेलवेट के कपड़े पे हो जाती है अच्छे से। तो मैंने उसी तरीके से स्टिचिंग करते हुए इनको रेडी कर लिया, दोनों साइड के कपड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके कॉर्नर पे थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और कपड़े को हम सिकोड़ के पेस्ट कर लेंगे। अब उसके बाद कॉर्नर पे मैंने ग्लू लगाया और मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नर पे लगाते हुए मैंने पहले कपड़े का कॉर्नर पेस्ट कर दिया है। अब जो दोनों साइड वाले पोर्शन है उसको भी मैं ग्लू लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर लूँगी और दोनों साइड हम पेस्ट कर लेंगे। और मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और वेलवेट का कपड़ा हुआ और ऑलरेडी इस बॉक्स में वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ था तो वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। अब जो हमने दूसरे वाला कपड़ा ट्रायंगल शेप में कट किया था उसको हम इसके दूसरी साइड लगा लेंगे। दोनों साइड में कपड़ा हमने पेस्ट अच्छे से कर दिया है। अब जो इसके बीच वाले पोर्शन हमने निकाले थे उनको भी अच्छे से खोल लेंगे, क्योंकि ये नेकलेस का बॉक्स था तो इसमें जो एक नेकलेस वाली शेप होती है वो ऑलरेडी इसमें बनी हुई थी तो पहले मैंने उसको निकाल दिया है। अब जो ये कपड़ा था उसके ऊपर मैंने फेवी बॉन्ड की हेल्प से दोबारा से उसको रीपेस्ट कर दिया है जिससे कि ये और मजबूत हो जाए और ये खुले ना और हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो मैंने अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा ग्लू लगाते हुए इसको पेस्ट कर लिया है। अब जो इसकी बैक साइड है उसको भी हम अच्छे से कपड़े को खींचते हुए, क्योंकि थोड़ा सा उभरा हुआ था, कपड़े को खींचते हुए हम अच्छे से दोबारा से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सूखने के लिए रख देंगे और इसी प्रोसीजर से हम दोनों साइड के कपड़े को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बॉक्स को और स्पेशियस बनाना है तो मैंने 2 छोटी छोटी पॉकेट लगाने का इस पर सोचा। तो मैंने एक कपड़ा लिया है वेलवेट का दोबारा से और उसमें एक साइड में मैंने इलास्टिक जोड़ ली है और इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में लिया है और जो ये गत्ते थे उसके मेजरमेंट का लिया है, क्योंकि हमें बस 2 छोटी छोटी पॉकेट लगानी है जिससे कि अगर हमें कुछ कार्ड रखना, अगर हम कहीं जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें रखनी है जो इधर उधर हो जाती हैं उनको हम इजीली रख सकें। तो दोनों साइड के लिए मैंने 2 इस तरीके के कपड़े की कटिंग रेडी कर ली है। अब इनको भी हम ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के लिए पहले हम नीचे से पेस्ट करना शुरू करेंगे और नीचे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसको हम नीचे वाली लाइन को पेस्ट कर देंगे। फिर साइड वाला जो पोर्शन होगा उसको भी हम फोल्ड करेंगे और उसको हम पेस्ट कर देंगे। और फोल्ड हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो इसकी खुला वाला पार्ट है जहाँ से सिलाई निकल सकती है या फिर जहाँ से धागे निकल जाते हैं वो इसमें दिखाई ना दे और धागे भी जल्दी से ना निकले। तो 3 तरफ से मैंने पेस्ट कर दिया और जहाँ पे इलास्टिक लगाई थी उसको हम छोड़ देंगे। और आप देख रहे हो कपड़े को मैं थोड़ा सिकोड़ के लगा रही हूँ, थोड़ा श्रिंक करते हुए लगा रही हूँ जिससे क्या होगा इसमें स्पेस बन जाएगा। अगर बिल्कुल आप सीधा इसमें फ्लैट लगाएंगे तो इसमें स्पेस नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से दोनों के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बैक साइड में दोबारा से हम फेवी बॉन्ड लगाएंगे, अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे और पूरे इस पर हम फेवी बॉन्ड लगाते हुए इसको हम इसके सेंटर में पेस्ट कर लेंगे। जहाँ से हमने इन पार्ट्स को निकाला था वहीं पे हम लगा देंगे। और जो दूसरे साइड में ज्वेलर का नाम लिखा हुआ था वो भी इस कपड़े को लगाने से छुप गया है। तो इस तरीके से हमने इसमें पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें लॉक भी लगाना है। तो इसी ज्वेलरी बॉक्स का लॉक था जिसको कि मैंने पहले हटा दिया था जिससे कि अंदर के पार्ट को ठीक किया जा सके, स्पेशियस बनाया जा सके। अब ये जो टिच बटन था इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से यहीं पे पेस्ट कर दूंगी और ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब जो दूसरी साइड वाला पोर्शन था उस पर भी हम अच्छे से ग्लू लगाएंगे और उसके हम दूसरी साइड पर इसको भी अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट तो हमने कर दिया है, हमारा बॉक्स भी रेडी हो गया है जिससे कि आप कोई भी चीज़ रखना चाहें वो ईजिली आप इसमें रख सकते हैं। और इस तरीके के आइडिया आप ही देते हैं, आप ही कमेंट करके बोलते हैं कि आप ये बनाइए
चाहिए, तो बस हमें जस्ट थोड़ा सा सोचना होता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या रिक्रिएट कर सकते हैं। अब ये बाहर से बिल्कुल खाली लग रहा था तो सोचा इसको थोड़ा और डेकोरेट कर लिया जाए। तो डेकोरेट करने के लिए मैं हैंगिंग वाली लेस ले रही हूँ जिसमें छोटी छोटी लटकन लगी हुई हैं, और उसको मैं इसके बॉटम वाले साइड पर अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मैंने कहीं से ऐसा नहीं है कि स्पेशल खरीदी हूँ इसको बनाने के लिए, तो इसका थोड़ा सा ही पोर्शन इसमें यूज़ हुआ तो मैंने उसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब पेस्ट करने के बाद मुझे इसको मिरर से डेकोरेट करना है, तो सबसे पहले मैंने इसमें क्रॉस का निशान लगा लिया है जिससे कि मैं इसको अच्छे से मेजरमेंट कर सकूं कि मुझे कहां कहां पे मिरर लगाने हैं, क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन है इसका और यही दिखेगा। अब इसमें ही थोड़ा इधर उधर हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो मैंने लेस लगाई है उसमें मैं राउंड शेप के मिरर ले रही हूँ और इसके ऊपर 1x1 करके पेस्ट कर देंगे। अब मुझे लगाते लगाते ये भी ख्याल आया कि इसके चारों तरफ ये मिरर लगाए जा सकते हैं, तो मैंने इस बॉक्स के चारों तरफ ये राउंड शेप वाले मिरर लगा दिए हैं। अब जो सेंटर में हमने लाइन इसमें खींची थी तो बिल्कुल इसका जो सेंटर बन गया है उसमें मैंने एक बड़ा मिरर लिया है राउंड शेप का, उसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैंने राइमस्टोन चेन ली है, तो जो राइमस्टोन चेन है पहले मैं इस सर्कल के ऊपर लगाऊंगी जिससे कि थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद जो हमने ये क्रॉस बनाया था अब इस सर्कल के चारों तरफ ये लाइनें दिख रही हैं, तो इन चारों लाइनों पर मैं पहले राइमस्टोन चेन को पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैंने लीफ शेप के मिरर लिए हैं, लीफ शेप के मिरर को मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी और जिससे क्या होगा कि एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा, और इसको मैं चारों तरफ पेस्ट कर लूँगी। अब जो इसके चारों कॉर्नर हैं वो भी थोड़े से खाली लग रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा भरा जाना चाहिए, तो मैंने इसमें ग्लू लगाते हुए, और ग्लू मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ, ग्लू लगाते हुए इसमें चारों तरफ छोटे छोटे फ्लावर बना लिए हैं, और अप्रॉक्स 6 पेटल में ही हमारे फ्लावर रेडी हो गए हैं। और इस तरह के फ्लावर, ये जो चारों कॉर्नर हमारे खाली दिख रहे हैं, इन सभी में हम बना लेंगे। उसके बाद ही हमारा फ्रंट तो अभी रेडी हो गया है, लेकिन जो इसका साइड वाला पोर्शन है वो भी अभी खाली है, तो उसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने फ्रंट पे जो लीव बनाई थी वही हम 1x1 करके लीव शेप वाले मिरर इसमें पेस्ट करेंगे और एक लंबी चेन बना लेंगे, और पूरे साइड में हम इसको पेस्ट कर लेंगे, और इस चेन को हम दोनों साइड में पेस्ट करेंगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उस पर अभी हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें उसमें पहले हैंडल लगाना है। तो हैंडल लगाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ वायर, और ये थोड़ी थिक वायर है, इसका यूज़ करेंगे। तो मैंने होल में इसको इंसर्ट किया है एक साइड से, और मैंने इसकी, ये रुक नहीं रहा था, बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने एक फेविकॉल की बॉटल लगा दी है जिससे कि ये रुक जाए। मैंने होल में इसको इंसर्ट किया और प्लायर की हेल्प से मैंने एक आई बना ली है जिससे कि ये निकले ना, तो अच्छे से आई बना के उसको फोल्ड कर लिया है। तो वायर तो हमारी इंसर्ट हो गई है, अब इसको थोड़ा सा मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब इसको भी हमें डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए मैंने रिबन लिया है वाइट कलर का, और इसको भी मैं होल से इंसर्ट करते हुए जो वायर में हमने आई बनाई थी उसमें हम इसको अच्छे से बांध लेंगे जिससे कि ये खुले ना और अच्छे से बन जाए। और रिबन का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें रेड कलर के बीड्स का यूज़ करना है, तो मैं रेड कलर के बीड्स को इंसर्ट करूँगी, एक बीड को इंसर्ट करूँगी, और फिर जो रिबन है उससे मैं एक गिठा लगा लूँगी। आप देखिए कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, उस तरह की मैं गिठा लगा लूँगी, और 1x1 करके एक बीड को इंसर्ट करेंगे और एक इस तरीके की गिठा लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि वाइट कलर का रिबन भी नज़र आएगा और जो रेड कलर का बीड है, और वैसे भी रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसको लगा लेंगे। आप चाहें तो गोल्डन कलर का रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने व्हाइट यूज़ किया क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। तो 1x1 करके सभी बीट को हम इंसर्ट कर लेंगे, और ये जो पूरा वायर है इसको हम पूरे अच्छे से इसी तरीके से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब जो लास्ट वाला कॉर्नर है तो एक्स्ट्रा रिबन को हम कट कर लेंगे, और जो दूसरी साइड हमने होल किया था उसमें रिबन और वायर दोनों को इंसर्ट कर लेंगे। वायर में हम आई बना के फोल्ड कर देंगे, और रिबन में हम गिठा लगा देंगे, और लाइटर की हेल्प से थोड़ा सा बंद कर देंगे जिससे कि ये खुले ना। तो फाइनली हमारा हैंडल भी लग गया है, और इस कलर से मैच होता हुआ ही लगा है। अब जो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने छोड़ा था इसके ऊपर हम मिरर को पेस्ट करेंगे, तो टॉप वाले पोर्शन में भी सेंटर में हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा से फेविबॉन्ड हम लगाएंगे, और जो लीफ शेप हमने साइड में डिज़ाइन बनाए थे उसी तरीके का डिज़ाइन हम इसके ऊपर भी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक साइड से हम एक डायरेक्शन रखेंगे और दूसरी साइड से हम उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन रखेंगे, जिससे कि क्या लगेगा कि जो हमने साइड में चेन बनाई थी उसी से पूरा उसको कवर कर लेंगे, ये नीचे से शुरू होते हुए लाइन ऊपर तक आ रही है। तो इस तरीके से 1x1 करके हमने मिरर को पेस्ट कर लिया है, और ये चेन बहुत अच्छी लग रही है, और ये साइड से शुरू होते हुए ऊपर तक खत्म हो रही है। तो फाइनली हमारा क्लच बैग रेडी हो गया है गाइज, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और जो इसके ऊपर मिरर वर्क है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी सिस्टर की गोद भर आई है तो मैं वहाँ पे इसको ज़रूर फ्लॉन्ट करूँगी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसको अपनी वाइट ड्रेस के ऊपर यूज़ किया और बहुत सुंदर लग रहा है ये वाइट के ऊपर, और वैसे ये किसी भी ड्रेस पर जाएगा क्योंकि इसमें जो वेलवेट है वो रेड कलर का है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और ये भी कमेंट करना कि अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ। तो मुझे ये क्लच बैग बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इसमें पार्टीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें अपनी रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ज़रूर कमेंट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।